धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ हमारे और देवताओं के बीच की कड़ी होते हैं। अगर पितृ प्रसन्न रहते हैं तो परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीवन सुखी और निरोगी रहता है। लेकिन यदि किसी कारण से पितृ नाराज हो जाते हैं तो परिजनों को कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं या फिर वे पृथ्वी लोक में पुनः जन्म लेते हैं। इसलिए परिजनों को चाहिए कि वे पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण आदि से उनकी सेवा करते रहें, जिससे पितर कभी नाराज ना हो और पितृ दोष ना लगे। लेकिन यदि फिर भी आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो आइए जानते हैं पितृ दोष की शांति के कुछ उपायों के बारे में। पितृ दोष के सामान्य उपायों में षोडश पिंड दान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्यादान, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बड़ आदि देव वृक्ष लगवाना एवं भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप आदि करना, प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्त्रोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार के पितृ बाधा क्यों ना हो शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृ पक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृ दोष है, उस पितृ दोष के प्रकार के हिसाब से पितृ दोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्रों की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृ दोष संकट बाधा आदि शांत होकर शुभ फल की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। भगवान शिव का मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं रोटी गाय को खिलाने से पितृ दोष शांत होता है। अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान, सभी स्त्री कुल का आदर, सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृ दोष जनहित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के कलश में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ देकर 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता एवं उनकी उत्तम गति होती है। अमावस्या वाले दिन अवश्य अपने पूर्वजों के नाम, दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृ पक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाए तो पितृ दोष अवश्य दूर होता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।